वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू सेलीज़ किचन। सेलीज़ किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारा आज का रेसिपी है बैंगन अंडे का भाजी। ये बहुत ही स्वादिष्ट और लजीज बनता है, तो फ्रेंड्स आप भी इसे अपने घर पर ज़रूर बनाएं और आप हमें ये बताएं कि आपको ये कैसा लगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं बनाना बैंगन अंडे का भाजी। अंडा बैंगन का भाजी बनाने के लिए हमें जो सामग्री चाहिए आप वो देख लें। हमें चाहिए बैंगन, अंडा उबला हुआ बॉयल अंडा, कोरिएंडर लीव बारीक कटी हुई, हरी मिर्च बारीक कटा हुआ, लहसुन बारीक कटी हुई, अदरक जिंजर बारीक कटा हुआ, ऑनियन बारीक कटा हुआ, तेल, मस्टर्ड ऑयल, आप चाहे तो कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, काली मिर्च और लेमन जूस, नमक और स्प्रिंग ऑनियन। तो चलिए हम शुरू करते हैं बनाना। आप बैंगन को धो लें और इस तरह से राउंड शेप पे आप बैंगन को काट लें। अब इसमें थोड़ी सी हल्दी और नमक आपका स्वाद अनुसार। हल्दी और नमक बैंगन में खूब अच्छी तरह से कोट कर लें और इसे आप 5 मिनट के लिए यूं ही छोड़ दें। अब एक आप ग्रेटर ले लें और इसमें ये बॉयल अंडे को आप ग्रेट कर लें। देखिए फ्रेंड्स, अंडे को हम इस तरह से ग्रेट कर लिए हैं। अब हमें बैंगन को तलना है। एक फ्लैट पैन ले लें और उसमें आप बैंगन को तलने के लिए रिफाइंड ऑयल डालें। इसे गर्म, तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें बैंगन को डाल देंगे। आप बैंगन को आप पलट दें और इसे आप थोड़ी देर के लिए ढाँप दें। अब आप बैंगन को दूसरी तरफ पलट दें और इसे बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पे हमें तलना है ताकि बैंगन अच्छी तरह से पक जाए। देखिए बैंगन पक चुका है, अब हम इसे किचन टॉवल पे निकाल लेंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है ये किचन टॉवल सोख कर ले। बैंगन हम तलकर निकाल लिए हैं, अब हम इसे ठंडा होने देंगे और ये ठंडा हो जाने पर इसके जो स्किन है छिलका इसे हमें निकालना है। एक कढ़ाई ले लें, इसमें 1 टेबल स्पून सरसों का तेल गर्म करें और इसमें 2 टेबल स्पून कटी हुई बारीक लहसुन, 1 टेबल स्पून बारीक कटी हुई अदरक और 1 मीडियम साइज का बारीक कटी हुई ऑनियन डाल दें। प्याज, लहसुन और अदरक को हमें 1 मिनट हाई फ्लेम पे भुनना है। प्याज भुन चुका है, अब आप इसमें डालें बारीक कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने स्वाद अनुसार डाल दें, इसे थोड़ी देर चलाएं। और अब हम इसमें डालेंगे ग्रेट किया हुआ बॉयल्ड एग, इसे आप हल्के हाथों से चला लें। इसमें आप स्वाद अनुसार नमक डाल लें, काली मिर्च 1 टीस्पून डालें और इसे आप अच्छी तरह से मिला लें। अंडे को हमें हाई फ्लेम पे 1 मिनट भूनना है। बैंगन ठंडा हो चुका है, अब हम इस तरह से इसका स्किन बैंगन का निकाल लेंगे। हम बैंगन को छील लिए हैं, अब एक फॉर्क के मदद से आप इस तरह से इसे हल्का सा मैश कर लें। अंडा भी भून चुका है हम देख रहे हो, अब इसमें हम ये मैश किया हुआ फ्राई बैंगन डाल देंगे। इसे आप अच्छी तरह से मिला लें अंडे के साथ बैंगन को। हमें अंडा और बैंगन को तकरीबन 1 से 2 मिनट भूनना है इस तरह से हाई फ्लेम में। बैंगन अंडा भून चुका है, अब हम इसमें डालेंगे स्प्रिंग ऑनियन 5 to 6 टेबल स्पून और हरी धनिया, इसे अच्छी तरह से आप मिला लें। अब आप इसे ढाँप कर फ्लेम बिल्कुल लो कर दें और इसे 1 मिनट तक लो फ्लेम में पकने दें। अब फ्रेंड्स, अंडा और बैंगन का भाजी बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून लेमन जूस, आप अपने स्वाद अनुसार लेमन जूस डालें और अगर आप चाहें तो इसमें गरम मसाला डालें और नहीं तो ना भी डालें। मैं यहाँ 1/4 टीस्पून गरम मसाला डाली हूँ। गरम मसाला फ्रेंड्स मैं इंग्रेडिएंट्स में ऐड करना भूल गई थी, तो आप
इसे ऐड कर लें। और अब हमारा बैंगन अंडे का भाजी बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे सर्व करेंगे। बैंगन अंडे का भाजी सर्व करें और ऊपर से कटे हुए अंडे बॉयल और हरी मिर्च और थोड़ी सी हरी धनिया से गार्निश करें। तो लीजिए फ्रेंड्स, बैंगन अंडे का भाजी तैयार है। आप इसे नान, प्लेन राइस, पराठे, रोटी के साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट और लजीज बनता है। तो फ्रेंड्स, आप इसे अपने घर पर ज़रूर बनाएं और आप हमें ये बताएं कि आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स ए लॉट फॉर वॉचिंग सेलीज किचन। प्लीज़ कीप वॉचिंग सेलीज किचन। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकॉन आप ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर रेसिपी मिल सके। फिर मिलेंगे फ्रेंड्स एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।